बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता। क्या लेने आई हो? पतंग। कितने बजे उड़ाओगी? सर जी उड़ाऊंगी नहीं, बेचने के लिए। अच्छा, तुम्हारे चाइनीज मंजे में उसमें से नड़ई कट जाती है। अच्छा, पतंग नहीं उड़ाते हो? उड़ाते हैं। अच्छा, नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको पतंग का महत्व और मकर संक्रांति का महत्व बताएंगे, और हमारे यहाँ किस तरह से बच्चे पतंग खरीद रहे हैं और किस तरह से ये बच्चे उड़ाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। और हमारे बीच अभी वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि पतंग लेने आए हैं, राजन द्विवेदी जी, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणित न्यूज की तरफ से अपने देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये सनातन धर्म परंपरा से चला आ रहा है। यह पर्व का विशेष महत्व ये है कि आज सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यह इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस त्यौहार का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक महत्व है। इस दिन लोग स्नान गंगा नदी में करते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, और यह एक बहुत ही महत्व का दिन है कि इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। इसका भी बहुत महत्व है। क्यों आप लोग पतंग क्यों उड़ाते हो? इसलिए हमें खुशी मिले। और आप क्यों उड़ाते हो? हमें ताकि मजा आए और अच्छा त्यौहार अच्छे से मना सके हम। देखिए, ये बच्चों ने बताया है कि इनको अच्छा लगता है पतंग उड़ाना और खुशी होती है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण है पतंग उड़ाने का। यह है क्योंकि यह त्यौहार जो है ठंड के मौसम में पड़ता है हमारे देश में मकर संक्रांति का, और इस दिन ठंड से बचने के लिए लोग पतंग लेकर के उसको उड़ाते हैं, और विटामिन डी जो धूप से मिलता है लोगों को, उससे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी पतंग उड़ाते हैं। एक ढेका रीवा में पतंग की दुकान है, एक भाई साहब पतंग की बिक्री कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये पतंग जो है कब से बेच रहे हैं? और ये सर जी, मैं सीजन जब आता हूँ तो एक दो दिन के लिए लगा लेता हूँ। यहाँ बच्चे बहुत आते हैं, वो कहते हैं अंकल जी हमको पतंग चाहिए, हमको बहुत दूरी जाना पड़ता है मार्केट में, तो सो मैं लाता हूँ और बच्चों को बांटता हूँ। आते हैं, खुशी मनाते हैं त्यौहार पर। बस सर, बस सर, कितने तरह की पतंग हैं आपके पास? ये सर जी 5 की 2 वाली भी मिल जाती है, और ये आपकी बड़ी वाली 5 वाली मिल जाती है। छोटे छोटे रखते हैं बच्चों के लिए। बस आप पतंग से पतंग जो लड़ाते हैं उसका मंजा भी रखते हैं क्या? मंजा रखते हैं सर जी, वही 5-10 वाला सिंपल। जी सर। तो देखिए दोस्तों, भाई साहब ने बताया कि इनके पास कई तरह की पतंगे हैं, कई रेट की पतंग है, और ये धागे भी रखे हुए हैं पतंग लड़ाने के लिए, मंजा भी रखे हुए हैं। प्रेम रील आती है जो पहले चलती थी जमाने में, सर्दी 5 रुपए वहीं रखते हैं। ये कभी पतंग लेने आए हैं दुकान में, ये भी बताएंगे कि ये पतंग क्यों ले रहे हैं और क्या इनको लाभ है। पतंग बनाने में अच्छा, उड़ाने में अच्छा लगता है, और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग में उड़ाने में अच्छा लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा सिंह। तो तुम क्या पतंग लेने आए हो? नहीं। अच्छा, पतंग नहीं उड़ाते हो? उड़ाते हैं। अच्छा, कितनी देर उड़ाते हो? कितनी देर? 12 बजे उड़ाएंगे। अच्छा, तो अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है उड़ाने का? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा सिंह। और पतंग कितने वाली खरीदोगे आज? हम खरीद लिए पहले से। कितनी? 2 दर्जन। और मंजा कौन सा लिए हो? मंजा रेड कलर मोनो। मंजा एक काम करना, चाइना वाला मंजा मत यूज करना, इसलिए उससे गला कट जाता है और पक्षियों का और जानवरों का नुकसान होता है, इसलिए मंजा जो है तो बिल्कुल कौन सा यूज करोगे? देसी वाला, यहाँ इंडियन मंजा, जिससे जो है तो नुकसान नहीं होता किसी का। कौन सा करोगे? महाबली यूज करना। चाइना वाला बिल्कुल मत यूज करना, इसलिए कि उसमें बहुत खतरा है और लोगों का गला कट जाता है, पक्षी मर जाते हैं, चिड़िया मर जाती हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना इस बच्चे से कि ये मंझा खरीदा है, और हमारी तो सभी देशवासियों को सलाह है कि जो इस दिन आप लोग मकर संक्रांति वाले दिन मंझा यूज करते हैं, चाइनीज मत करिएगा, इसलिए कि उससे काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों का गला कट गया है। मंझा बिल्कुल देसी यूज करिएगा, बल्कि हो सके तो मंझा यूज करने की बहुत आवश्यकता भी नहीं। क्या लेने आई हो? तुम भी बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता। क्या लेने आई हो? पतंग। कितने बजे उड़ाओगी? सर जी उड़ाऊंगी नहीं, बेचने के लिए। अच्छा, तुम बेचती हो? अच्छा, हो गया, उड़ाना बिल्कुल नहीं है तुमको। कितने पीस ले रही हो आज पतंग? 50-100 रुपए की। अच्छा, फिर बेच दोगी और फिर मेला जाओगी? हैं? हाँ। इसलिए बेच रही हो पतंग?
पापा बोले कि जाओ भैया के संग पतंग लेता। अच्छा चलो बहुत अच्छा, भैया के संग आयो, कहाँ है भैया तुम्हारा, इधर आओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा विश्वकर्मा। क्या लेने आए हो? पतंग। किस लिए? उड़ाने के लिए। अच्छा उड़ाने के लिए, कितने बजे उड़ाओगे? उड़ाएंगे 12 बजे। मंजा कौन सा यूज करोगे? महाबली। महाबली यूज करना, चाइना का नहीं यूज करना है? हाँ। इसलिए कि चाइना से क्या है, क्या बताओ तुम, क्या होता है चाइनीज मंजे में? उसमें से नड़ई कट जाती है और हाथ भी कट जाता है। आते सर जी, अपने इंडियन का मंजा जरूरी यूज करें जिससे पशु और पक्षी को कोई नुकसान न पहुंचे। और यही चाहता हूं कि जो अपने भारत में बनते हैं मंजे और ये तात वगैरह, उसी को यूज करें और चाइना ना यूज करें। अभी हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता खेललाल शर्मा जी, हाँ ये इनसे ही पूछते हैं कि मंजा ये कौन सा यूज करेंगे और मंजा चाइनीज क्यों नहीं यूज करना चाहिए ताकि बच्चों को या किसी को कोई नुकसान ना हो, बताइए वकील साहब। जो चाइनीज मंजा है इसमें गला कट सकता है, पंछी करके मर जाते हैं, इसलिए इसका बहिष्कार करना लेना नहीं है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाइयां, धन्यवाद।